Hey, स्वागत है आपका स्क्रिप्ट सर्जरीज में। काफी लंबा समय हो गया ना, काफी दिन से हमने वीडियोस अपलोड नहीं किए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं थोड़ा सा परेशान था, लेकिन एक अभी कल ही एक कमेंट आया था प्रदुम गिरी करके, प्रदुम गिरी जी का। तो उन्होंने जब ये कमेंट किया थैंक्स ये, तो उनके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली क्योंकि आपके कमेंट्स लाइक बस मोटिवेशन का काम करते हैं कि यूट्यूबर के लिए या फिर किसी भी के लिए भी जो कोई काम करता है। ये प्लेटफॉर्म जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई भी आता है तो सिर्फ पैसे के लिए आता है। मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि सिर्फ मेरा मोटो पैसा है, ठीक है। अगर ये होता तो मैं अभी कॉम्पिटिशन लेवल पर स्टार्ट करता, क्योंकि ऑडियंस जो है बच्चे अभी उनके पास टाइम नहीं है मोबाइल पर पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल दिन में 24 घंटे में एक दो घंटे फ्रीली यूज़ कर पाते हैं। अगर वो पढ़ने वाला है बच्चा तो माइंड सेट हैगा, तो जो नहीं पढ़ने वाला है वो तो 24 घंटे मोबाइल लेके रहेगा तब भी नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो थोड़ा सा केयरफुल है अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, जो नॉलेज अचीव करना चाहता है, वो क्या एक स्कूल भी रेगुलर जाता है। मैं ध्यान रहे कि मैं ऐसे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ना नहीं चाहता, जो पढ़ना चाहता है वो रेगुलर स्कूल भी जाता है, चाहे स्कूल कैसा भी हो। और ट्यूशंस वगैरह भी हैं, ले लेते हैं लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा अच्छे से समझना चाहता है, तो उसके पास खेलने के लिए भी थोड़ा बहुत समय चाहिए, तो मोबाइल पर पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। काफ़ी टाइम वो पढ़ता है और काम करता ही है, तो इसलिए वो जब मोबाइल मिलता भी है, कुछ लोगों को तो मोबाइल मिलता ही नहीं है, कुछ को मिलता भी है तो वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, मूवीज, सॉन्ग्स, फनी वीडियोज़ वगैरह देख करके टाइम पास करते हैं, तो इसलिए है ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें काफ़ी लंबा समय मुझे लग गया, ठीक है। मैंने 2015 से ही चैनल स्टार्ट किया, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करूँगा। कहना ये चाहता कि अगर मेरा मोटो सिर्फ पैसा होता तो मैं कंपटीशन लेवल पे जाता, वहाँ की वीडियोस बनाता, या फिर टेक्नोलॉजी है जो चैनल ज़्यादा ग्रो करते हैं जिसमें लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। एजुकेशन में सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं, खासकर पढ़ने में, क्योंकि अभी बाकी टाइम पढ़ ही रहा है बच्चा स्कूल पे, कोचिंग पे, तो अभी फिर घर पे भी आके पढ़े तो उसको थोड़ा सा ये होता है, बोरियत होता है, सारे लोग इस तरह से माइंडसेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, फोकस करें, ठीक है, स्टडी पर और ध्यान दें। तो जो भी आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। करना चाहिए, कोई तो है जो देखना चाहता है, पसंद करता है, ठीक है, सिर्फ पैसा नहीं है। बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों की, ठीक है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाई होता है, टीचर कोचिंग के लिए फोर्स करता है, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कितने लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो मेरा मोटो यही था कि जो पढ़ नहीं पाता है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, वो भी पढ़े, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसा कहा गया है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, ठीक है। परमाणु बम जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, क्योंकि परमाणु बम, परमाणु परीक्षण, जिसके ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी आई है परमाणु, जॉन अब्राहम जी की, तो एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जिससे काफ़ी बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी और उससे भी ताकतवर एक हथियार है जो जिसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन से हम परमाणु बम सिर्फ एक रीजन, एक क्षेत्र, एक देश या एक प्रदेश को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, लेकिन शिक्षा पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है, कितनी एनर्जी है इसमें। तो इसलिए शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, जिंदगी संघर्ष, लाइफ इज स्ट्रगल, ये तो सब जानते हैं, कहने वाली बात नहीं है। तो वैसे आप फेस भी करते होंगे बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन अगर आप शिक्षा में ढूंढेंगे तो एजुकेशन में मिल जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, जिनके जन्मदिवस पर हम
शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि एजुकेशन को आप इस तरह से देखिए कि एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसीज में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और धीरे 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 करके वो एक दिन काफ़ी लंबे समय के बाद हमको रिफंड करता है, हमको पैसा मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको, बस आपको कंटिन्यूसली पंक्चुअल तो रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी किस्तें जो हैं वो आप वेरिएस नहीं कर पाते, मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है, एक इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो दुनिया खुद को देखती है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि गांव के हित के लिए परिवार का हित त्याग दो, और अगर बात ब्लॉक या फिर जिले की आती है तो गांव का हित त्याग दो, अगर राज्य की बात आती है तो जिले का हित त्याग देना चाहिए, ठीक है, अगर देश हित की बात होती है तो वहाँ प्रदेश को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर अपने बारे में बात होती है तो पूरी दुनिया को छोड़ देना चाहिए, अपने पे बन जाए तो, ठीक है, हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया का क्या महत्व है हमारे लिए। तो इसलिए सबसे पहले खुद को देखिए, खुद पे इन्वेस्ट करिए, खुद की नॉलेज को इम्प्रूव करिए, क्योंकि इंसान सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, वो है उसको खुद को डेवलप करना, हमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ विकसित होना है अभी, ठीक है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो अपने आप को डेवलप करिए बाय हेल्थ, बाय वेल्थ, बाय माइंड, ठीक है। आप वेल्थ तो तभी सही रहेगा जब हेल्थ रहेगा और ये क्या है कि माइंडसेट रहेगा, क्योंकि ऐसा अभी चैप्टर भी है इंटरमीडिएट में, ठीक है, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ठीक। तो आपने पढ़ा भी होगा उसके, उसका क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिया है, ठीक है। आज भी हम लोग इंटरमीडिएट के ही नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, होमकमिंग, जो जिसके राइटर हैं मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे देश का नाम इतना ऊंचा किया, उनकी वजह से हमें लिटरेचर का नोबेल मिला, ठीक। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, अपने आप को डेवलप करिए, विकसित करिए, इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह से, इन्वेस्टमेंट की तरह से देखिए कि शिक्षा आज हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसका रिफंड मिलेगा ही मिलेगा, एक ना एक दिन इसका हमको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये बेकार जाएगी। नौकरी मिलना ना मिलना बात की बात है, वो एक पर्टिकुलर सक्सेस नहीं है, लोगों ने ये मान लिया है, समाज का माइंडसेट है ऐसा कि अगर नौकरी मिलती है तो आदमी सफल, नहीं तो फिर असफल, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर जानकारी रहेगी, आपके अंदर ज्ञान रहेगा, आपके अंदर गुण रहेगा, आपके अंदर क्वालिटी रहेगी तो आपकी डिमांड रहेगी, और डिमांड रहेगी तो फिर आपके पास पैसा आएगा, पैसा ही सक्सेस है, सॉरी पैसा ही सक्सेस नहीं है लेकिन नौकरी कमाने का मतलब पैसा ही होता है, ठीक है, पैसा कमाना, तो पैसा ही कमाना जरूरी नहीं है कि नौकरी हो, ठीक, लेकिन पैसा ही सफलता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि मनी इज सक्सेस, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें खुश रहना है बस, चाहे नौकरी मिल करके हम पैसा कमा लें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, चाहे किसी और माध्यम से पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, ऐसा कहा जाता है कि पढ़ लिख के कोई राजा नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत पुरानी कहावत है, और वैसे भी जितने भी अमीर लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं होते हैं, क्योंकि पढ़ाई से कुछ खास संबंध नहीं है। और मैं यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि आप जो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, स्कूल में जाकर के डिग्री लेते हैं, उसका पढ़ाई से संबंध नहीं है, पढ़ाई वो ही नहीं है, ठीक है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा जो स्कूल में दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा जो बाहर समाज से हमें प्रैक्टिकल लाइफ से मिलती है, तो अनौपचारिक शिक्षा भी चलती है, तो उनका औपचारिक शिक्षा नहीं होता, उनके पास डिग्री नहीं होती, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा होती है, उन्होंने अपने माइंड सेट को किस तरह से बनाया होता है, उन्होंने अपने आप को डेवलप कर किया होता है, वो अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहते हैं, उन्होंने अपने दिमाग पर इन्वेस्ट किया होता है, वो चीज़ों को समझने पर जोर देते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी शिक्षा जो होती है वो अनौपचारिक होती है, ठीक है। चलिए बेकार की बात ज़्यादा हो गई, अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हमारा चैप्टर है होमकमिंग, फोर्थ चैप्टर, ठीक है, इसके राइटर हैं मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट राइटर, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो आज हमको होमकमिंग को पढ़ना है, होमकमिंग के क्वेश्चन आंसर जो हैं, ठीक है, होमकमिंग का मतलब क्या होता है, घर वापस आना, ठीक। इसमें ये कहानी जो है स्टूडेंट की है, स्टूडेंट लाइफ पे है, ठीक है, एक बच्चे के साथ क्या होता है, उसकी क्या बीतती है, किस तरह से उसका माइंडसेट होता है, और हमें फैमिली एज अ फैमिली
ठीक है, एज अ रिलेटिव हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, इस हमें बच्चों के हिसाब से काम करना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं वास्तव में, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, हमेशा ऐसे करो वैसे करो, ऐसे कभी कोई ये नहीं कहता है, आपने सुना भी नहीं होगा कि बच्चा तुम बेटा तुम जैसे चाहते हो वैसे करो, लेकिन करो बस, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, यही होता रहता है। तो चलिए खैर टॉपिक पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है, फ्रोथ सेक्शन से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस से। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें शॉर्ट आंसर ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। तो होम कमिंग के इसके भी शॉर्ट आंसर जो है हम लोग देख लेते हैं, इसमें वो 11-12 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉय फैटिक वॉज, फैटिक जो है कैरेक्टर है उस पूरे चैप्टर का, ठीक है, होमकमिंग जो है उसका फैटिक, ठीक, तो वो कैरेक्टर है। और यहाँ पूछ रहे हैं कि उस तरह किस तरह का लड़का था, राइट अ फ्यू लाइन्स इन हिज रेफरेंस, उसके बारे में, ठीक है, उसके लिए कुछ लाइने लिखिए, एक दो लाइन लिखिए, ठीक। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर मतलब कि 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 30 ये लिखा रहता है, लेकिन एक बात ये भी है कि नॉट मोर देन 30 मतलब 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 वर्ड से कम हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक लाइन में अगर आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर आप 30 का आंसर दे देते हैं एक लाइन में तो वो भी सही माना जाता है। तो यहाँ बात करते हैं कि फैटिक जो है वो किस तरह का लड़का था, किस तरह का लड़का था भाई। तो फैटिक वॉज अ लवर ऑफ नेचर, वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, प्यार करता था, ओपन फील्ड, ठीक है, खेतों में खेलना घूमना, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता था, ठीक। तो लवर ऑफ नेचर, ये प्रकृति को प्यार करता था, और ही लव्ड नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द विलेज, वो अपने गांव के जो नेचुरल इन्वायरमेंट थे, ठीक है, प्राकृतिक जो वातावरण था, पेड़ पौधे खेत हरियाली शुद्ध हवा, ये सब को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है, खुले में, ठीक, रहना खेलना। तो ही वॉज द बॉस ऑफ ऑल नोटोरियस बॉयज ऑफ द विलेज, और क्या था वो जो था फैटिक, वो जितने भी शरारती बच्चे थे गांव के उनका बॉस था, सरगना, लीडर, ठीक है, तो हीरो कैरेक्टर, हीरो, तो वो लीडर था, ठीक है, बॉस था, ठीक। सिर्फ पानी निकालता था और भी काम करता था, अक्षय जी की तरह अपने को क्या करना, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। चलिए छोड़िए, तो वो क्या करता था, वो लीडर था सभी नटरेस बॉयज का, ठीक है, जितने भी शरारती लड़के थे। तो और क्या था, ठीक, ये अकॉर्डिंग टू हिज मदर, उसकी माँ के अनुसार देखे, जो मम्मी थी पैटिक की, वो क्या कहती थी, ही वॉज लेजी, डिसऑनेस्ट, वाइल्ड, ठीक है, रेगुलर नॉइसेंस, वो क्या था, लेजी था, आलसी था, मम्मी कहती थी कि ये आलसी है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है, बेईमान है, ठीक है, और वाइल्ड है, जंगली है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, और हमेशा आवारागर्दी करता है, नॉइसेंस, रेगुलर नॉइसेंस, हमेशा आवारागर्दी करता है। तो इस तरह से वो उसे मतलब कहने का मतलब है वो परेशान रहती थी, ठीक। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके करेक्टर के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिस्चीफ फैटिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डू, मिस्चीफ मतलब क्या होता है, गलती या फिर शरारत। तो फैटिक और उसके दोस्तों ने क्या शरारत करने का डिसाइड किया, निर्णय लिया, ठीक है, वो क्या थी। तो फैटिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू वर्क टूगेदर टू स्प्लिट, सॉरी, शिफ्ट द लॉग बाई मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। फैटिक और उसके दोस्तों ने क्या निर्णय लिया कि जो लॉग था, ठीक है, लट्ठा कहते हैं, मतलब कि एक लकड़ी का, मोटा लकड़ी का, उसको क्या कहेंगे, लट्ठा ही कहते हैं, लट्ठ, तो उस लकड़ी को, मोटे लकड़ी के, ठीक है, टुकड़े को लॉग कहते हैं। तो उसको क्या करना चाहते थे, शिफ्ट करना चाहते थे वो लोग साथ मिलकर, ठीक है, इसको शिफ्ट कर दे बाय मेन फोर्स, पूरी ताकत से, फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है, अब जहाँ वो था, नदी के किनारे था, वहाँ से वो लोग उसको खिसकाना चाहते थे और रॉलिट दूर लुढ़का करके ले जाना चाहते थे। ये फैसला हुआ था सबके बीच में, फैटिक और उसके दोस्तों के बीच में। तो उसके बाद क्या हुआ,
so that the owner of the log would be angry and surprised. ऐसा उन्होंने क्यों किया, ताकि so that मतलब क्या होता, ताकि जो मालिक था owner उस लकड़ी का वो गुस्सा हो जाए और आश्चर्यचकित हो जाए कि ऐसा कैसे हो गया, जा रखा था वहाँ तो है नहीं, वो लकड़ी दूर कैसे चली गई. तो जब वो गुस्सा होगा तो they would all enjoy the fun. तब वो लोग क्या करेंगे, मजा लेंगे, enjoy करेंगे. ठीक, ये फैसला हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड माखन स्पॉइल द फन. स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना. अब देखिए, माखन जो है वो फैटी का भाई है, तो उसने कैसे स्पॉइल कर दिया फन, यानी कि मजे को कैसे किरकिरा कर दिया, ठीक, बर्बाद कर दिया. क्या किया माखन ने भाई, माखन यंगर ब्रदर ऑफ फैटी, ठीक है, spoiled the fun by sitting down on the log in front of all the boys without saying anything. माखन जो था वो यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई था फैटिक का, तो क्या किया, पूरा मजा किरकिरा कर दिया. कैसे, by sitting down on the log, उसी पे जाके बैठ गया वो और सारा मजा खराब कर दिया. इन फ्रंट ऑफ ऑल बॉयज मतलब सारे लड़कों के सामने वो जाकर के उस लकड़ी पर बैठ गया विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे, ठीक है, उसने कुछ कहा भी नहीं और जाकर के चुपचाप उस लकड़ी पर बैठ गया. लुड़काओ, अब कैसे लुड़काओगे, मतलब वो एक तरह से अच्छा बच्चा था, उन लोगों को गलत काम करने से रोकना चाहता था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो सिंसियर था. ऑल द बॉयज वेयर पजल्ड फॉर अ मोमेंट एट दिस. पजल मतलब कि अचंभित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना. तो सभी बच्चों को अचंभित अचंभा हुआ, आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, तू हट जाए यहाँ से, हम लोगों को जो करना है करने दे. तो इसलिए वो लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि भाई इसका किसी के खिलाफ जा रहा है, पहले तो इन लोगों ने कहा, ठीक है, तो ऐसे ही सब लोग आश्चर्यचकित हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अराइव्ड एट फैटिक हाउस. अराइव मतलब पहुंचना, तो फैटिक के घर पर कौन आया, वो कौन था, तो कौन आया भाई, विशंबर. विशंबर कौन था, ठीक, तो ब्रदर ऑफ फैटिक्स मदर, फैटिक की माँ का भाई था वो, कौन था, भाई था, उसका नाम क्या था, विशंबर, ठीक. तो उसने क्या किया, वो आया अराइव एट फैटिक हाउस, वो कहाँ आया, फैटिक के घर आया, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द डिफरेंसेस एक्सप्लेन बाय द मदर बिटवीन फैटिक एंड माखन. डिफरेंस क्या था, वो दोनों माखन और फैटिक के बीच में अंतर क्या था, किसके अनुसार, उसकी माँ के अनुसार, मतलब कि मम्मी ने उन दोनों को कैसे एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या अंतर है दोनों में, ये बताइए. तो अंतर क्या था, जाहिर सी बात है एक दुष्ट था एक अच्छा था, ठीक. तो देर आर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन फैटिक एंड माखन एक्सप्लेन बाय द मदर. मम्मी के अनुसार तो बहुत सारे डिफरेंसेज थे, सच एज फैटिक वॉज लेजी, डिसोबीडियंट, वाइल्ड एंड कॉन्टिन्यूस नॉइसेंस. फैटिक क्या था, वो आलसी था, बात नहीं मानता था, ठीक है, और क्या था, जंगली था, दुष्ट था और आवारागर्दी करता रहता था. वेयर एज जबकि माखन क्या था, माखन वो एज गुड एज गोल्ड, सोने के जैसा, ठीक है, अच्छा था, इतना सोना अच्छा होता है, एज क्वाइट एज लैम, लैम की तरह से, ठीक है, मेमने की तरह से शांत रहता था. अरे वाह, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और वो पढ़ने का शौकीन था. फॉन्ड ऑफ मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, शौकीन होना, सॉरी, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, तो पढ़ने का शौकीन था, अच्छा ही था भाई, अभी सोने की जैसा अच्छा है, ठीक है, पढ़ने का मन करता है, पढ़ता है हमेशा और शांत भी रहता है, तो ये अच्छा है और अगर भी नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई डिड फैटिक गो टू कलकत्ता. अब जो फैटिक है वो कलकत्ता क्यों गया, देखिए कहानी की तरह से एकदम आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन सारा, ठीक है, कलकत्ता जाता है वो, क्यों गया कलकत्ता. तो फैटिक वेंट टू कलकत्ता बिकॉज ही वॉन्टेड टू अवॉइड हिज फैमिली क्वेलसम मोमेंट. वो झगड़ालू क्वेलसम मोमेंट मतलब झगड़ालू जो माहौल हो गया था वो अवॉइड करना चाहता था, ठीक है, उससे दूर जाना चाहता था, इसलिए हो गया. ही थॉट दैट बाय गोइंग कलकत्ता ही वुड बी हैप्पी एंड फ्री टू डू व्हाट ही वांटेड. उसको ये लगता था, उसने ऐसा सोचा फैटिक ने कि अगर मैं कलकत्ता चला जाऊँगा तो मैं एकदम फ्री हो जाऊँगा, जो चाहूँगा वो करूँगा, एकदम खुश रहूँगा, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
तो हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद फैटिक इन कलकत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कलकत्ता में फैटिक के साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ इन कलकत्ता, नो वन गेव इम्पोर्टेंस टू फैटिक, ठीक है, किसी ने उसको महत्व ही नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, स्पेशली हिज आंट, और जो खास करके उसकी आंटी ने उसको महत्व नहीं दिया, ठीक, इसलिए वो परेशान हो गया, जिस तरह जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, किसी ने अटेंशन नहीं दिया, ठीक, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। सी थॉट ही वॉज अ अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, ठीक है, एंड ऑल्सो ही वॉज अ नाइदर आर्नामेंट नॉर यूजफुल। उसकी आंटी क्या सोचती थी कि ये बेकार का एडिशन हो गया, बेकार में हमारी फैमिली में जुड़ गया है, ठीक है, और ये मतलब बहुत धनवान भी नहीं है, ठीक है, इसके पास गहने वगैरह भी नहीं है, गहने मतलब कि कोई माला वगैरह लॉकेट वगैरह तो बहुत ज़्यादा कुछ लेकर के भी नहीं आया है, कहने का ये मतलब है, ठीक, तो इस वजह से वो उसको बेकार का एक लाइबिलिटी समझती थी, मतलब कि जिम्मेदारी आ गया, बेकार का बढ़ गया हमारे परिवार के ऊपर, और इससे क्या हुआ, सो वंस अगेन ही गॉट अवॉइडेंस फ्रॉम एवरीवन अनएक्सपेक्टेडली, दोबारा से उसको लोग अवॉइड करने लगे, उसको अवॉइडेंस झेलना पड़ा जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेडली उसने उम्मीद कुछ और की थी लेकिन हुआ कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज फैटिक अनहैप्पी इन कलकत्ता, ऐसी बात है खुश रहेगा नहीं क्योंकि जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो दुखी क्यों था? फैटिक वॉज अनहैप्पी इन कलकत्ता बिकॉज द सिचुएशन वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड एवरी वन हेटेड हिम स्पेशली हिज आंट। फैटिक इसलिए दुखी था क्योंकि जो सिचुएशन थी वो एकदम जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं, ठीक है, सब कुछ बदल गया, सब लोग उसको हेट करने लगे, खास करके उसकी आंटी, तो अब बेचारा क्या करे। नो वन गेव हिम इम्पोर्टेंस, किसी ने उसको महत्व नहीं दिया, ठीक है, दैट इज वाई ही हिमसेल्फ बिकम पेनफुल एंड अनहैप्पी, किसी ने सब लोग उसको घृणा करने लगे, कोई उसको महत्व नहीं देता था, इसके खुद ही मन ही मन दुखी होने लगा और बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा, इस तरह से प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू फैटिक एट द स्कूल, अब स्कूल में क्या हुआ, ठीक, एट द स्कूल फैटिक डिड नॉट आंसर द टीचर, स्कूल पे क्या हुआ कि वो टीचर के जवाब नहीं दे पाता था, आंसर नहीं दे पाता था उनके क्वेश्चंस के, ठीक है, इससे क्या होता था, ही डिड नॉट प्ले बट टू लुक एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस फ्रॉम द विंडो, वो खेलता भी नहीं था, परेशान था अंदर से एकदम मन ही मन दुखी था, वो खेलता भी नहीं था और बस खिड़की के रास्ते दूर के मकानों की छतों को देखा करता था रूप, ठीक है, बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ही मिस्ड हिज ओपन फील्ड एंड बॉयज ऑफ द विलेज, मिस मतलब याद करना, ठीक है, मिस करना, तो वो अपने खेतों को, अपने गांव के खुले माहौल को और अपने दोस्तों को, गांव के दोस्तों को याद करता था, ठीक, बहुत ज्यादा याद करता था, परेशान था बेचारा। He wanted to return home, और क्या करता था, चाहता था कि अब घर चलते हैं, घर वापस चलते हैं, बहुत हो गया, ठीक है, तो बेचारा जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, इसलिए उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Why did Fatik run away from school? वो स्कूल से भाग गया, क्यों भाग गया भाई, क्या हो गया? Fatik ran away from school because he could not complete his homework, ठीक है, क्यों भागे, क्योंकि वो होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाया, बिकॉज ही लॉस्ट हिज लेसन बुक वन डे, और वो होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपना लेसन बुक जो था किताब उसको घुमा दिया, खो दिया, लॉस्ट कर दिया, ठीक है, और ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इनडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, उसको क्या होता था, ही फाउंड वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, उसको बहुत कठिनाई होती थी किताब होने के बावजूद, ठीक है, इवन विद बुक, ठीक है, हेल्प ऑफ बुक, तो किताब की सहायता कर से वो सॉल्व करता था, तब भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब तो किताब थी नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब क्या हो गया था, अब तो इम्पॉसिबल हो गया था, तो कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो भाग गया स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हु केम टू सी फैटिक, फैटिक को देखने के लिए कौन आया, तो मम्मी ही आएंगी भाई, द एंड हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक, तो हिज मदर केम टू सी हिम, कि माँ उसको देखने लिए आती है, तबीयत बेचारी खराब हो जाती है, भाग जाता है तो फिर पानी में भीग जाता है बहुत सारा, तो इस वजह से
बहुत ही सैड स्टोरी है, लेकिन हैप्पी एंडिंग होती है, मम्मी आ जाती है फिर वापस घर आ जाता है। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए।